हेलो दोस्तों, नमस्कार। फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर्य। जैसा कि आप जानते हैं, फार्मेसी लीडर चैनल जो है, अपनी वीडियो जो है हेल्थ रिलेटेड होती हैं हमारी वीडियो। हम अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयरनेस फैलाना हमारा उद्देश्य है। तो इस मिशन में हमारा साथ दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या आपके मन में कुछ जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाहते हैं या किसी रोग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इसी हेल्थ क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक काफ़ी समय से बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे थे महिलाओं के कि क्या प्रेगनेंसी में शराब पी सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है क्या क्या प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में महिलाएं शराब पी सकती हैं। तो जो महिलाएं शराब का सेवन करती हैं उनके द्वारा अक्सर एक सवाल ज़्यादातर पूछा जा रहा था, तो उसी जिज्ञासा को लेकर आज हम ये वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को पूरा देखें। तो सभी जो क्वेश्चन थे, जो सभी क्वेरी थी, उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं सोल्व आउट कर दूंगा, उनका समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि कोई महिला है और वो लगातार शराब का सेवन कर रही हैं, प्रत्येक दिन शराब का सेवन करती हैं, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस वीडियो में जानते हैं। तो यदि महिला शराब पीती है, तो प्रेग्नेंट महिला शराब पीती है तो उसके बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम रहेगा, उसका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इस तो मानसिक विकास प्रभावित होने के कारण उसका आईक्यू लेवल कम रहेगा, उसकी ग्रोथ जो है बहुत कम होगी, उसके शरीर का कोई भी अंग एबनॉर्मलिटी का शिकार हो सकता है, जैसे चेहरा हो या शरीर का कोई भी अंग जो है अविकसित हो सकता है, ऐसे चांसेस बहुत होते हैं। और प्रेगनेंसी में शराब पीने से उसको मिसकैरेज हो सकता है, उस महिला को गर्भपात हो सकता है, महिला को कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। यदि महिला डेली शराब पीती हैं तो इन्फेक्शन का शिकार महिला हो सकती हैं। और जब बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे का वजन कम हो सकता है, या मरे हुए बच्चे को जन्म महिला दे सकती है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि जो महिला शराब पीती हैं तो जब उसकी डिलीवरी होगी तो बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हो सकता है, इसके बहुत चांसेस रहते हैं। तो अब इस केस में क्या करना है, महिलाएँ तो रेगुलर शराब पी रही हैं, तो इस केस में हम आपसे ओवरऑल यही कहना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में शराब का सेवन ना करें। यदि फिर भी आपको लगता है कि आप शराब पीना चाहती हैं तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और यदि डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप दारू का सेवन करें तो जितनी मात्रा में वो आपको दारू पीने की सलाह देते हैं, मान लीजिए 10 से 15 ml या 20 ml जो भी एग्जैक्ट वो बताते हैं, तो उसी मात्रा का सेवन करें। और हाँ, कंसल्ट अवश्य डॉक्टर से करें, देखिए सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें, और प्रेगनेंसी में तो सेल्फ मेडिकेशन वैसे भी हमेशा हार्मफुल होता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो दारू का सेवन ना करें, क्योंकि यदि प्रेग्नेंसी में आप दारू का सेवन करेंगे तो आईक्यू लेवल बच्चे का कम रह सकता है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, महिला को इन्फेक्शन हो सकता है, महिला जो है कम वजनदार बच्चे को जन्म दे सकती है जिसका वजन कम होगा, महिला को मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, महिला को गर्भपात हो सकता है, महिला को मिसकैरेज हो सकता है। तो ओवरऑल हम इसी निष्कर्ष पे आपको तजुर्बे और जो रिसर्च हुई हैं जो डॉक्टरों का वो है, उसके अनुसार हम आपको यही कह सकते हैं कि यदि आप प्रेगनेंसी में दारू का सेवन करती हैं या शराब पीती हैं तो आप अल्कोहल या शराब का सेवन ना करें, यह आपके बच्चे के लिए, होने वाले बच्चे के लिए हार्मफुल है, किसी भी तरीके से ये लाभदायक नहीं है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि महिलाएं प्रेगनेंसी में शराब पी सकती हैं या नहीं, तो निष्कर्ष हम यही निकालते हैं या हम एक आपको यही सलाह देंगे कि आप शराब का सेवन ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो का निर्माण करवाना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहें तो बेहिचक हमें कमेंट करिए, और चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो और नई नई जानकारी के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर चैनल। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।